तो हम फिर से अपने घर उतर रहे हैं जो कि है पोचिंग की, और मैं आसमान में बंदे चेक कर रहा हूँ कितने हैं, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि आसमान में देख लेना चाहिए कितने बंदे हैं, क्योंकि ये प्रो बंदे ऐसे ही करते हैं। तो अगर अपने आपको आप ज़्यादा ही प्रो समझते हो तो आप ऐसे गोलियाँ वेस्ट करते हवा में, उसको एक भी हिट नहीं पड़ी, पर मेरा बनता था मारना। तो मेरे को आवाज़ आ गई थी पप्पू की कि यहीं कहीं घूम रहा है ये। अब वो सतर्क हो चुका है, उसको सतर्क हो गया है, वो उसको मालूम पड़ गया है कि कोई यार कोई तो है जो मेरी जान लेने के लिए मेरे पीछे भाग रहा है, वो यहाँ इंजॉय करना आया था गेम। ऐसे पॉइंट पे कभी सीधे घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि कितना भी नूब बंदा हो अगर उसका पोजीशन है और उसको अंगूठे रगड़ना आता है स्क्रीन पे, तो वो आपको कंफर्म मार देगा। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना नेट क्लॉक करके उसकी गांड फोड़ दूं, तो मैंने वही किया, मैंने नेट डाला और पप्पू फिर भी नहीं मरा। फिर मुझे याद आया एकदम से, यार प्रो वीडियो देखी थी मैंने कोई सी, हाँ उसमें क्या करता हूँ मैं रोटेशन मार दिया दोस्तों मैंने। अब मैं रोटेट मार के दूसरे घर की छत पे चढ़ के उसको मारूंगा। उसने भी वो सेम वीडियो देख के रखी थी, क्योंकि वो भी रोटेशन मार था ऊपर से, देखिए वो देखिए कहाँ चढ़ा हुआ है। और ये जो टूर्नामेंट ये गेमिंग मॉन्ग की तरफ से हैं, बोलते तो हैं 10-20 हज़ार रुपये मिलेंगे जीतने पर, ऐसा कुछ होता नहीं है कभी भी। तो मैं देखने आया था कि फ्लेयर पे बंदे हैं कि नहीं, कोई नहीं था। पर 5 मिनट घूमने के बाद ये पप्पू भी चेक करने आया था कि फ्लेयर पे है, और वो सिर्फ चेक करने आया था, लड़ने नहीं आया था, वो सिर्फ चेक करने आया था कि कोई है तो नहीं ना, क्योंकि अगर होगा तो फिर मैं वहाँ से नहीं निकलूँगा। पर वो निकलते हुए मेरे हाथों में फंस गया। और अभी आप एक बंदे से मिलने वाले हैं जो पता नहीं पेड़ के चारों तरफ घूम घूम के टोटके कर रहा था, ये देखो ये पता नहीं क्या कर रहा था खड़े खड़े। मैं उसकी बॉडी के पास गया तो मुझे एक नारियल और लाल कपड़ा मिला, तो वो शायद हाथ टोटके ही कर रहा था वहाँ पे। और उसके पास निब्बू मिर्ची भी मिला था। कि यहाँ पे इस मैच में कोई लड़ने के मूड ही में नहीं था, सब अपने ही जिंदगी जी रहे थे, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहा था, सब अपनी अपनी जगह जा रहे थे। कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो, कितना भी छोटा टूर्नामेंट हो, ये जो बंदा खड़ा है ना ब्रिज पे, ये हमेशा ही रहता है, ये हमेशा यहीं रहता है, ये जोन के बाहर भी यहीं बैठता है, जोन होते हुए भी यहीं बैठता है, वो उतरता ही यहीं पे ये। और डैमेज वेमेज कुछ नहीं, उसको सिर्फ परेशान करना है आते आते लोगों को, उसको सिर्फ लोगों को बताना है कि हाँ मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं भी गेम खेल रहा हूँ दोस्तों, मुझे भी तो देखो, मैं ब्रिज ब्लॉक करूँगा। इस घर में भी ये बंदा अपनी फैमिली शुरू करने के लिए सोच रहा था, मतलब वो चुपचाप कुछ फुटस्टेप नहीं देना, उस पर स्मोक डाल दी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपना बैठा हुआ है, अभी भी नहीं हिलेगा, वो नेट क्लॉक हो गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, वहीं बैठा हो जहाँ के तहाँ था। और नेट से फटते वक्त भी उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। इनको लगता है अगर हम एक बार फुटस्टेप दे दे गलती से, उसके बाद अगर चुपचाप हो जाए तो लोगों को लगता है हम है ही नहीं वहाँ पे, लोग भूल जाते हैं कि वो है। वो ब्रिज वाले बंदे को मतलब कोई भाव ही नहीं दे रहा, कोई किसी को मार ही नहीं पा रहा वो, ये भी उसके सामने से इस निकलते हुए आ गया, कुछ कर ही नहीं पाया वो। तो ये भी हर बंदो जैसा हमें इग्नोर करके कहीं भागने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं कुछ देख लिया है उसने शायद, वो कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं दोस्तों कहाँ जा रहा है ये लौंडा। उसकी बगी ने जवाब दे दिया है कि वो अब नहीं चल पाएगी, फिर भी उसको नाइट्रो मार पा के चला रहा है। अच्छा ये भाई ड्रॉप लूटने आए हैं, क्या बात है क्या बात है, लूटो मेरा भाई लूटो। तो इसने बहुत बढ़िया प्लान बनाया था ड्रॉप लूटने का, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसने सोचा यार मैं गाड़ी छोड़ के अब भागना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जूते पड़ रहे हैं गाड़ी में, गाड़ी से उतर जाऊँ तो शायद थोड़े जूते पड़ना कम हो जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बंदा वही है जिसका 2.5 केडी रहता है, पर ये टूर्नामेंट बिल्कुल दिल लगा के देखता है। इसने सोचा क्यों ना मैं हाई ग्राउंड ले लूँ और फिर ऊपर से सभी को फिनिश कर दूँ मैं, हाँ। और ये बगी वाला भी इग्नोर करके भाग रहा था अपन को, क्योंकि किसी को लड़ना है नहीं है यहाँ, सब अपनी लाइफ एंजॉय करना है यहाँ। बस यही एक मौका था जहाँ मेरे को डर लगा था कि यार मैं शायद मर जाऊँ, क्योंकि भाई ने जो गाड़ी उड़ाई थी मेरे ऊपर से, मेरे को भरोसा था गेम मेरे ऊपर कैसे भी रेंडर करके चढ़वा ही देगा। ये मैच के शुरू से मैं यही कर रहा हूँ, मैं गाड़ी ले लेके बंदों को ढूंढ रहा हूँ पूरे मैप में। और ये बेमतलब पर डैमेज मिलते हुए सेम बंदा है कि वो शुरू से ही परेशान कर रहा है मेरे को, ये आजूबाजू घूम रहा है पर ये लड़ाई नहीं ले रहा है, ये सिर्फ घूम रहा है अपनी बगी में। तो मुझे एक बंदे की आवाज़ आ गई थी, वो जूते खा के नीचे उतर था पहाड़ी से, और मुझे लगा था थोड़ा सा प्रो होगा वो लेफ्ट से पीक देगा, पर उसने कुछ किया नहीं ऐसा, तो फिर मैं फ़ायदा उठा के अंदर घुस गया। मुझे लगा ये भी वही बंदा है जो अपनी फैमिली शुरू करेगा, पर ये नेट की आवाज़ सुनते से भागना चालू करेगा, तो मैं समझ गया ये मीडियम प्रो है, मीडियम प्रो भी नहीं है, मतलब मीडियम नॉर्मल है। पर हाँ ये भी घूमने ही आया था, इसने गोली वोली नहीं चलाई, वो लड़ाई कर रहा जरूर आया था पर गोली नहीं चला रहा था। मुझे सामने कुछ दिख रहा है, अरे ये तो वही बंदा है, ये तो वही बंदा है जो शुरू से भाग रहा था,
बहुत बढ़िया, यहाँ ये लूट रहा था किसी को, जिसको मैंने पहले मारा था उसे लूटना आया था। क्योंकि ये गेम के शुरुआत से गाड़ी लेके घूम रहा है, इसने कोई लूटा ही नहीं, तो इसको पहली बॉडी मिली और उसी को लूटना चालू कर दिया। उसके अभी भी अगर बैग चेक करूंगा तो एक पिस्तल मिलेगी और दो गैस कैन मिलेंगे, जो कि बगी में भर भर के चला रहा था पूरे एरेंगल में। तो यहाँ पे ये बंदा शायद पानी तैर के आया था यहाँ तक, और वो मेरे सारे नेट डॉच कर रहा था। उधर वाले नेट डॉच किया, अभी लेफ्ट में डालूंगा तो राइट में भाग जाएगा, राइट में डालूंगा तो लेफ्ट में भाग जाएगा। उसको पता था कि उसको क्या करना है। अभी भी उसके मुंह पे बम फोड़ा है मैंने, पर वो मरा नहीं, और ये एक दो गोली में ही समाप्त हो गया, क्योंकि शायद इसको बम का थोड़ा डैमेज लगा होगा अंदर। इतना भी चूतिया नहीं समझता है गेम मुझे। तो अब ये बहुत स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि आखिर में सिर्फ दो बंदे बचे थे। एक बंदा मेरे को पता था कि वो राइट में कहीं घास ही में लेटा हुआ है, और ये चचा दिख गए मुझे भागते हुए। तो मैं ये भी समझ गया एक सामने है और एक राइट में है, और वो राइट वाले का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि वो लेट चुका था। इस गेम में क्या कर दिया है, जो बंदा लेट गया ना उसको ये लोग बिल्कुल प्रेफरेंस देते हैं कि आप ही जीतो, क्योंकि वो दिखना ही बंद हो जाता है, वो इनविजिबल हो जाता है। मतलब लेटने से घास के अंदर छुपते हैं ये भैया, उनको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं लेट जाओ तो। लेट गए तो मतलब तुम गया, तुमको कोई मार ही नहीं पाएगा, दिखते ही नहीं भाई बंदे। सेनोक में तो मतलब पाँव रख दो सर पर, तब मालूम पड़ता है कि नीचे कोई है। तो मैंने राइट वाले को चूतिया बनाने के लिए दो स्मोक करे थे, पर वो ज़रूरत नहीं थी उसको चूतिया बनाने की, वो चूतिया ही था। उसने कुछ भी नहीं किया, मैं खुले से भाग रहा था। तो मैं समझ गया ये पप्पू पहलवान बिल्कुल आखिरी में सर्वाइवल गेम खेलने के लिए आया है। मुझे पता था ये चोमू में वो यहीं से पीक देगा, क्योंकि वो शुरू से वहीं छुपा हुआ है। उसने मुझे देख लिया था, पर वो थोड़ा प्रो था इसलिए उसने पीक दे दी। ये लेटा है भाई ने कोई फर्क नहीं पड़ा इसे, ये सुन्न है बिल्कुल। तो ये बंदे पे मैंने पहले नेट किया ताकि वो उठ के भागे, पर मालूम पड़ता है कि वो यहाँ पे सनबात लेने आया था, उसको लड़ाई नहीं करनी थी। तो इस बंदे का रोडी बनने का सपना यहीं समाप्त होता है। पर अगर आपको रोडी बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओपिनेट।